कोतवाली क्षेत्र के बिजरोल गांव में चार दिन पहले परिवार को जान से मारने की नियत से इलेक्ट्रॉनिक बम से उड़ाने की साजिश रचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उसके पास से बम बनाने का सामान भी बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि YouTube की मदद से उसने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। 27 तारीख की सुबह बड़ौद थाना क्षेत्र के बिजरौल ग्राम में नरेंद्र के घर के सामने गेट पर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें उनका लड़का जिसका नाम गौतम था वो घायल हो गया था। उसका तत्काल उपचार कराया गया, उसकी स्थिति ठीक है। उसकी माँ की तहरीर के आधार पर बड़ौद थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था, गहनता से साथ संकलन किया गया। आज इस केस का बड़ौद पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रणवीर है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। रणवीर ने पूछताछ में ये बताया कि उसका नरेंद्र के घर से लगभग 16-17 साल से संबंध रहे हैं, आपसी लेनदेन भी रहा है। पिछले कुछ समय पहले उसका नरेंद्र और नरेंद्र की वाइफ से मनमुटाव हो गया था और अपने मन में वो रंजिश पालने लगा था। इसी कारण उसने YouTube पे कुछ वीडियो देख के तथा मार्केट में उपलब्ध सामग्री से एक बम तैयार किया था, जिसको रात में नरेंद्र के गेट के सामने लगा दिया था। उसका उद्देश्य यह था कि कोई भी गेट जो खोलेगा परिवार का सदस्य वो इस बम से घायल हो जाए। सुबह नरेंद्र के लड़के गौतम ने गेट खोला और वो घायल हो गया था। रणवीर के पास से कुछ सामग्री और भी मिली है। इस संबंध में YouTube पर जो वीडियो है उसके हटाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है, आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।